हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एडवांस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए। जैसे इसमें हम आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आईआईटी जेईई 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी 2n + 1 + 3n + 1 अपॉन 2n + 3n इक्वल्स टू 3, 2, 1 and 0। बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड होता है हमारे पास। सॉल्व करते हैं, जो बड़ा नंबर है जैसे 2 और 3, बस बड़ा नंबर कौन सा 3, और यहाँ पे अगर 2 और 3, यहाँ पे 3 बड़ा नंबर है, तो 3 to the power n को कॉमन ले लेंगे हम। तो 3 to the power n कॉमन लिया, तो हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 3 to the power n + 1 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, एन प्लस वन ले लिया कॉमन। ये हो गया हमारे पास 2 upon 3 की पावर n + 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 1, और इस इधर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 upon 3 to the power n + 1, और यहाँ पे बाहर 3 to the power n, यानी यहाँ से जब कॉमन लेंगे 3 to the power n + 1, तो यहाँ पे इसका डिवाइड हो जाएगा 3 to the power n + 1 पे, उसको यहाँ लिख दिया हमने, और प्लस 1, इस तरह से यहाँ 3n कॉमन लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब 3n से फिर 3n कट जाएगा, लेकिन इसको हम कह सकते हैं 3n.3, ये 3n कट जाएगा, ऊपर रह गए 3। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 2/3 जो है, एक हमारे पास 0 और 1 से छोटे नंबर है, और 1 से छोटे नंबर पर हम इनफिनिटी पावर इनफिनिटी टेंड्स करें तो वो नंबर 0 की तरफ जाता रहता है। जैसे 0.5 का स्क्वायर देखें 0.025, तो 0.25 तो क्यूब देखें तो 0.125, तो ये हमारे पास बड़ा नंबर था, ये ऐसे छोटा हो गया स्क्वायर, और क्यूब इससे और भी छोटा हो गया, तो इस तरह से एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये टर्म 0 चली जाएगी, ये टर्म 0 चली जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी 3 0+1 upon 0+1, ये हो गया 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।